So, हम चले गए थे भाई दिल्ली की सबसे बड़ी प्ले स्टेशन की मार्केट के अंदर जो कि है भाई करोल बाग में, और यहाँ पर जाके मैंने ढूंढा भाई सस्ते के अंदर सबसे तगड़ा गैजेट आप लोगों के लिए, और ये हर एक बच्चे की ड्रीम गैजेट था। Nice. क्या आपका भी था जल्दी से कमेंट करके बता देना। लेकिन ये वाला गैजेट ढूंढने में मैं सच बता रहा हूँ भाई पसीने छूट गए, क्योंकि यार एक अच्छी क्वालिटी के अंदर और एक पूरा ओवरऑल सही चलने वाला मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है भाई हमारा सोनी का प्ले स्टेशन पोर्टेबल। और ये जो है भाई हम लोग खरीद के लेकर आ चुके हैं, और जिस प्राइस पे हमने खरीदा है और जिस कंडीशन में खरीदा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये इस कंडीशन में मिला और इस प्राइस में मिला बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये दो चीजें हम लेकर आए, एक तो चार्जर हो गया और एक हमारा PSP हो गया, और इसमें गेम्स भी मैं डलवा के लाया हूं। तो पूरा जो सेटअप है हमारे को मिला सिर्फ 1500 रुपए के अंदर भाई, बहुत ज्यादा सस्ता होता है ये। और ये जब आया था ना सबसे पहली बार, मतलब 2007 वाला मॉडल है शायद ये, आई गेस मेरे को ऐसी लग रहा है। तो ये वाला मॉडल अराउंड 10,000 रुपए का था, और भाई ये चीज 1500 रुपए में अभी मिल रही है, काफी सही है। लेकिन क्या यार ये आज के टाइम पे वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम भाई गेमिंग फोन हो गए, निंटेंडो स्विच हो गया, OLED वाला PS5 आ गया, तो क्या ये लेना वर्थ इट है या नहीं। तो देखो यार पहले इसकी आपको क्वालिटी के साथ दिखाता हूं, तो मैंने जैसे प्राइस तो बता दिया है, तो पीछे साइड में पता नहीं यहां पे टेप का मार्क्स है, पता नहीं क्यों, मैंने चेक कर लिया टेप वाला ही है। एंड देन यहां पे जो था ना भाई इसकी बैटरी के अंदर इशू था, मतलब जो इसके अंदर बैटरी पहले लगी हुई थी ना वो बैटरी में पूरी फूली हुई थी, तो हमारे को बैटरी उस बंदे ने चेंज करके दे दी, और ये जो था पूरा बैटरी वाला कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से खुल जाता है। एंड अगर आप लोग देखोगे ना आजकल के टाइम में भाई बहुत सी ऐसी चीजें हो गई, जो नए गेमिंग फोन आ रहे हैं उसके अंदर अलग अलग आपको टाइप चीजें मिलती हैं, लेकिन पोर्ट्स की उनमें कमी रहती है। इसमें एक बार आप पोर्ट्स देखो, आपको बहुत ज्यादा पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं हर एक तरीके का। और देखो इधर आपको DC 5W का मिल रहा है, आपको यहाँ पे हेडफोन जैक का देखने को मिल रहा है, मतलब हर एक तरीके के पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं। लेकिन एक जो चीज भाई आजकल किसी भी फोन और किसी भी चीज में नहीं आती वो है ये भाई साहब, यहाँ पे CD लगाने की जगह आप लोग इसके अंदर CDs लगा के गेम खेल सकते हो। देख रहे हो भाई प्ले स्टेशन कितना ज्यादा आगे था उस टाइम पर, ये चीज जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा मोटा भी था राजा जी। तो मेरे पास PlayStation 5 भी, और इसका जो रिमोट कंट्रोलर आता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो यहाँ पे जब आपको पूरे कंट्रोल देखने को मिलता है, और यही सेम चीज इतने पुराने PSP के अंदर भी यूज करी गई थी, जिसके बटन प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा सिमिलर है आज वाले नए लेटेस्ट के हिसाब से भी। एनीवे इसके अंदर भी आपको जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है साइड के अंदर, आप देख सकते हो वही सेम चीज इसमें भी देखने को मिल जाती है मूव करने के लिए, यहाँ पे कंट्रोल सेम है, यहाँ पे कंट्रोल सेम है, एंड इवन जो PlayStation का लोगो वो भी सेम है। मतलब कि भाई सोनी का ये PSP इतना एडवांस था उस टाइम पर भी, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया चीज थी। बाकी आपको बटन प्लेसमेंट वही नॉर्मल देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे होम का बटन हो गया, वॉल्यूम के लिए बटन हो गए, सिलेक्ट एंड स्टार्ट के बटन हो गए। अब इसको ऑन करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है इसका जो स्विच है ना, तो आपको जो है ये वाला बटन को ऊपर प्रेस करना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो पावर ग्रीन साइन आ गया, एंड यहाँ पे करने लग गया, एंड ये जो हमारा PSP ऑन हो गया है, ऑब्वियसली भाई हमने चेक कर लिया था वहां पे, तो पहले से ही ऑन है, एंड आप देख सकते हो सही कंडीशन के अंदर बढ़िया वर्क कर रहा है। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है उतनी ज्यादा आपको क्लियर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन भाई इसके अंदर जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है ना, ये सेम सॉफ्टवेयर भाई PS3 के अंदर भी आता था, और PS3 मेरे पास था, मैंने काफी खेला है, आपको सेम यही देखने को मिलता है आज भी। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ लेट से गेम्स के अंदर, तो हमने इसमें गेम्स डाल रखी हैं। सो यहाँ पे जो हमने भाई मेमोरी स्टिक लगा रखी है, इसमें मेमोरी कार्ड जो कि इधर की साइड में लगता है हमारा, एंड इसी कार्ड के अंदर हमने थोड़ी बहुत गेम्स भी इंस्टॉल कर दी थी। तो अगर आप जाते हो इसमें प्रो अपडेट जैसे देख सकते करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखो बढ़िया से हुआ, क्योंकि भाई गेम्स जो इसमें क्रैक वाली होती है ना थोड़ी, क्योंकि पुराना है ऑब्वियसली, वो सब चीजें मिलेंगी हमारे को इसके अंदर भी। सो देख सकते हो आप लोग इसके अंदर FIFA जो है हमने डाल रखी है, स्पीकर भी भाई साहब इसके अंदर आपको बॉटम फायरिंग देखने को मिलते हैं जो कि दो हैं, एक इधर साइड है और एक इधर साइड है। एंड गेम्स इसमें देख सकते हो हमारे पास है GTA, और हमारी है नीड फॉर स्पीड अंडर कवर है इसके अंदर, नीड फॉर स्पीड एक और एलियन वर्सेस प्रेडेटर, उसके हमारे को स्पाइडरमैन 3 देखने मिल जाती है। आप ओवरऑल देख रहे हो भाई UI कितना तगड़ा लग रहा है, मतलब भाई सेक्सी मजा आता है देख के। सोनिक 2 है इसके अंदर मिल जाती है हमारे को, और भी है स्ट्रीट शोडाउन है इसके अंदर, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हमारी, लिबर्टी सिटी स्टोरीज क्योंकि काफी ज्यादा फेमस गेम रही है, एक और है भाई चाइना टाउन भी इसके अंदर, एंड यहाँ पे हमारे को इसके अंदर गॉड ऑफ वॉर देखने मिल जाती है, ऑल टाइम फेवरेट कॉल ऑफ ड्यूटी है, एंग्री बर्ड्स है, बर्नआउट और ये सब है। तो इसके भाई सबसे पहले हम लोग GTA खेलेंगे, क्योंकि GTA इज लव गाइस, GTA इज लव, GTA का हमारी ये वाली खेलेंगे हम, GTA बेस्ट गेम। तो हमने इसके अंदर GTA ऑन कर दिया, एंड ओवरऑल जो प्ले स्टेशन आज के टाइम पे UI है ना वैसी तरीके से इसमें भी कंट्रोल होता है, और दिखने में भाई मैं सच बताऊं आज भी अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करते हो ना काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, मतलब उस टाइम के हिसाब से भाई सोनी ने काफी अच्छा एक ओवरऑल सही चीज बनाई है। अगर आप देखो भाई निंटेंडो स्विच कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और प्ले स्टेशन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, काफी ज्यादा सिमिलर बन जाते हैं, बट ऑब्वियसली यार जो निंटेंडो स्विच है वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें बहुत लेटेस्ट चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे OLED स्क्रीन हो गई, ज्यादा बेटर ग्राफिक्स, ज्यादा बेटर गेम्स, वो सब चीजें हैं। वैसे 1500 के अंदर ये भी कोई गलत नहीं है। Vice City Stories, यस ग्रैंड थेफ्ट ऑटो Vice City Stories भाई साहब सही स्पीकर है थोड़े बहुत, और डिस्प्ले ना यार वो उतनी क्लियर नहीं क्योंकि ऑब्वियसली इतना पुराना चीज है, बट फिर भी ठीक है ना दिख रहा है एटलीस्ट हमारे को। इस गेम के लिए भाई साहब एक टाइम पे ना हम रोज आते थे, सच बता रहा हूँ मैं, आप लोग रोए होगा इस गेम को खेलने के लिए एक टाइम पे, बस बुलाएगा क्या तो मैंने हमें खेलनी है वो भैया खिलाते थे ना गेम सेंटर वाले, भाई साहब पुराने दिन याद आ गया यार बिल्कुल, ऐसे नॉस्टैल्जिक फील आ गई। सो हमारे जो भाई GTA स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल तगड़ी से, बाइक पे कैसे बैठते हैं ट्रायंगल से बैठते हैं, यस मेरे को याद है, यस ये आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, ए हे रहा नहीं जाता, अच्छा ब्रेक इससे लगते है स्क्वायर से,
तो दोस्तों की इसकी बाइक के अंदर ABS नहीं है लगता है, बाइक भाई साहब फुल चल रही है स्पीड से। गजब गाइस, बाइक के अंदर रेडियो भाई साहब। अरे भाई, तो गाइस ये वाली गेम तो भाई साहब बहुत टाइम बाद खेली और काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील आ गई है। और अगर आपको बाहर जाना तो आपको ये होम बटन क्लिक करना नहीं, यस करके इसको बाहर हो जाता है। तो देखो यार, वीडियो जो है मैं एंड में छोड़ इसलिए दी थी, मेरी थोड़ी तबियत खराब चल रही पिछले दो दिन से, तो इसलिए अभी भी ऐसे थोड़ा अब्रप्टली एंड करूंगा इस वीडियो को। बट यार PSP यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। अगर आपको 1500 रुपए मिल जाता ना, मैं बोलूंगा आज भी कोई दिक्कत नहीं, माड़ा नहीं है भाई। 1500 के अंदर एक बहुत सही चीज है। आप बच्चों को ये वाला PSP दे सकते हो और उनको दिक्कत भी नहीं होगी, आपको फोन भी उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे भी जा नहीं सकते वो, मतलब फालतू चीजें देखेंगे, नॉर्मल एक दो चार गेम खेल सकते हैं वही चल जाएगा। आप देना चाहो तो उनके लिए काफी अच्छा है, या फिर नहीं तो आप अपने लिए भी खरीद सकते हो, ऐसे रहे आपके पास शोपीस तो काफी अच्छी चीज है। बट यार आपको अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली यार आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वाली वीडियो को, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय।